श्री राम समर्थ जुलाई 4 देव भगवान की प्राप्ति के लिए है। एक बार ऐसा हुआ, एक साधु के यहाँ चोरों ने चोरी की। चोर जब भाग रहे थे तब शिष्यों ने उन्हें देखा, उन्हें पकड़कर खूब पिटाई की। गुरु को जब यह ज्ञात हुआ तब गुरु ने शिष्यों से कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। गुरु ने उनके बदन को तेल लगाया और स्नान भी करवाया, उन्हें मिठाइयों का भोजन खिलाया। शिष्यों ने गुरु से पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब गुरु ने उनसे कहा, तुम भी क्या कर रहे हो? आप सभी भगवान के घर चोरी ही तो कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हमें जो यह देह दी है वह भगवान की प्राप्ति के लिए दी है, किंतु हमें जो कार्य दिया है वह न करते हुए उससे विषय की चोरी ही तो कर रहे हैं ना? इसलिए विषय की आसक्ति न रखते हुए हम अंतःकरण से भगवान की भक्ति करें। हम सब यह पक्का समझे कि मैं भगवान के लिए ही हूँ, सर्वत्र भगवान भरा हुआ है, ऐसा दृढ़ विश्वास होने पर द्वैत अपने आप मिट जाएगा और मन की एकाग्रता सध जाएगी, यही सच्ची समाधि है। संत क्या करते हैं, हम जब गलत मार्ग पर चलते हैं तो वे कहते हैं तुम गलत रास्ते से चल रहे हो, और हमें जगाते हैं तथा सच्चा मार्ग दिखाते हैं। वे हमेशा समाधि सुख का आनंद लूटते हैं और निरंतर भगवान के बारे में कहते रहते हैं। भगवान की लीलाएं देखने वालों को ही सच्चा आनंद प्राप्त होता है। हम खेत में एक बीज बोते हैं और 1000 बीज प्राप्त करते हैं, यह सब भगवान की लीला है। भगवान के पास जो जो है वह सब हमारे भीतर है। जैसा हनुमान जी में भगवान का अंश था वैसा हम में भी है। हनुमान जी ने उस अंश को विकसित किया, हमने उसे मिटा दिया। हनुमान जी का जो लक्ष्य था वह हम अपने सामने रखे, उनका ब्रह्मचर्य, भक्ति, दास्य और परोपकार करने की पद्धति हम सीखे। हनुमान जी चिरंजीव हैं, जिसकी वैसी भावना हो उसे अभी भी उनका दर्शन होगा। हनुमान जी को सभी सृष्टि श्री राम रूप दिखाई पड़ी, यही सच्ची भक्ति का फल है। उपासक जब अपनी देह को भूल जाता है तब उपास्य मूर्ति में उसे सचेतनता का अनुभव आने लगता है, मेरे भगवान को यह बात पसंद आएगी या नहीं, इस भावना से संसार में व्यवहार करे। सगुणोपासना का यही मुख्य हेतु है। भगवान दाता है, वह मेरे पीछे हैं, अर्थात वह मेरा आधार है, वह मेरा कल्याण करने वाला है। यह भान निर्माण हुआ कि जो प्राप्त हुआ है वह भगवान की इच्छा से ही मिला है, ऐसी भावना होगी और जो परिस्थिति है उसमें संतोष होगा। संतोष और आनंद यही सच्ची लक्ष्मी है। हमारी वृत्ति ऐसी हो कि जो आनंद प्राप्त करना चाहता है वह हमारे पास दौड़ कर आए। अन्य संपत्ति, धन दौलत अनगिनत देने पर भी तृप्ति नहीं होती, किंतु वृत्ति यदि आनंदमय हुई तो उसका आनंद वितरित करने पर भी समाप्त नहीं होता। आज का मुख्य विचार, वृत्ति का संतोष भगवान की कृपा का संकेत है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।